कल काफी अच्छा जोन एमसी स्टैन का नजर आया, जहां वो घर वालों से बातें कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। और हालांकि जो कुछ भी उन्होंने टीना को कहा, उस बात से थोड़ा थोड़ा मैं भी अग्री करूंगी। उस चीज के लिए हैट्स ऑफ टू एमसी स्टैन, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपना ओपिनियन सामने रखा। वो टीना को लेके जो सोचते हैं, वो पहली बार उस बंदे ने बोला है टीना को कि क्या मैं शालिन की तरह कटवाने का वेट करता। हालांकि इक्वेशन सेम नहीं है, एमसी स्टैन के साथ उनकी दोस्ती अलग थी और शालिन के साथ टीना का इक्वेशन अलग था, मोर ऑफ अ रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ था। लेकिन फिर भी स्टैन ने जिस तरीके से बोला कि यू नो कि तुम उसकी सगी नहीं हुई वगैरह वगैरह, तुमने उसका काटा है तो तुम मेरा भी काट दोगी वगैरह वगैरह, इस तरह की कई चीजें एमसी स्टैन ने पहली बार अप फ्रंटली बोला टीना को। खैर, ये तो हो गई एमसी स्टैन के पॉजिटिव साइड की बात। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बाहर स्टैन की जो आर्मी है वो दंगे कर रही है। जी हाँ, चाहे वो प्रियंका हो चाहे वो शालीन हो, हर किसी को लेकर कोई ना कोई गंदी बात जो है उनकी टीम भी कर रही है। और कोई ना कोई गंदी बात ना सिर्फ उनकी टीम कर रही है, घर के अंदर जो कुछ भी स्टैन ने शालीन को कहा, जिस तरीके से धमकी दी, जिस तरीके से बातें की, वो सारी चीज़ें बहुत एविडेंटली और बहुत क्लियरली नज़र आईं। और इसीलिए उनकी आर्मी बाहर जो है गंदी तरीके से, चाहे वो धमकी देना हो, चाहे वो जिस तरीके से साजिद ने कहा था कि तू अगर शो पर आया है तो तू आइडल लोगों का है तो तू वो दिखा कि तू क्यों लोगों का आइडल है, ये टपोरी गिरी मत कर, बिकॉज ये टपोरी गिरी तुझे बहुत आगे तक लेकर नहीं जाएगी। और वही चीज़ बाहर उनके फैंस कर रहे हैं, छपरी गिरी करना, टपोरी गिरी करना, जिस तरीके से टपोरी तरीके से वो प्रियंका को धमकियां दे रहे हैं, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, शालीन को डेथ थ्रेट्स भेजे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत एविडेंटली बहुत क्लियरली दिखा रही है इस बात को। इसी चीज़ पर स्टैन की जो टीम है वो सामने आई है और उन्होंने लिखा है, स्टैन आर्मी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल अगेन नॉट टू अब्यूज और थ्रेटन एनी वन, स्टैन अलोन इज इनफ टू हैंडल द फाइट इनसाइड द हाउस, जस्ट कीप सपोर्टिंग स्टैन, बट हाँ आप लोग सपोर्ट के चक्कर में इस तरह की हरकत मत कीजिए कि आप बाहर उनके बाहर सेलिब्रिटीज़ को धमकियाँ दे रहे हैं, बाहर सेलिब्रिटीज़ को उल्टा सीधा कह रहे हैं। सपोर्ट दिखाइए स्टैन को, लेकिन बाकियों को डिमोरलाइज या उनको थ्रेटन या उनको गालियां ये सब मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एविडेंटली दिखता है और ये बहुत गंदा दिखता है और इसका असर स्टैन पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि उनके फैंस ये कर रहे हैं तो वो दर्शा रहा है कि उनकी फैंडम कैसी है और फैंस क्या कर रहे हैं। बट आई एम ग्लैड कि एमसी स्टैन की जो टीम है वो इतनी सेंसिबल है, वो इतने समझदार हैं कि घर के मुद्दों को घर में ही रखा जाए और बाहर जो शालीन को धमकियां दी जा रही हैं, बाहर जो प्रियंका को धमकियां दी जा रही हैं, वो चीज़ें बंद हो और वो चीज़ें ना करी जाएं आगे फॉरवर्ड।